हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले का सिलेबस को डिस्कस किया जाए, खुड़ुक का जो पार्ट है उसको। तो अभी मैंने खोला हुआ है झारखंड कांस्टेबल का खुड़ुक का सिलेबस, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। मुझे लग रहा था कि सेम ही होगा, इसीलिए मैं देख नहीं रहा था, पर जब देखा तो थोड़ा अलग लग रहा है ये, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहले सीजीएल का सिलेबस था वो किस टाइप का था। तो ये सीजीएल का सिलेबस है हमारे पास, और बहुत सारे एग्जाम का इसी टाइप का सिलेबस दे रहा था जो सेम था। यहाँ पे हमारे पास कथाइन था, उसके बाद डंडी, कथडंडी, खीरी, फिर कथा खीरी, फिर लीला, फिर कथपंडी, कथ चूड़ो, है ना। तो ये सब हमारे पास था, और यहाँ पे स्टोरी क्या पढ़ना है और कौन सा कथ डंडी पढ़ना है, कौन सा डंडी पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, ये सब कुछ दिया हुआ था नाम के साथ। ये सब कुछ नाम के साथ दिया हुआ था, और इससे पहले का जो सिलेबस देता था उसमें इस तरह का नाम से नहीं दिया हुआ रहता था, तो उसमें कंफ्यूजन होता था कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इस बार जो झारखंड कांस्टेबल का सिलेबस दिया हुआ है उसमें उसी टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कुड़ुक का सिलेबस दिया हुआ है, व्याकरण है, इसमें संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि। यानी कि व्याकरण का किताब में जो कुछ भी हम लोगों को मिलता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे काल आदि बोला, यानी कि इनके अलावा भी कुछ कुछ और हो सकता है, यहाँ पे आदि बोला है यानी कि इससे एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है। हम लोग यहाँ पे अधिकतर चीजें पढ़ चुके हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कुछ कुछ का नहीं डाला है, उसका हम डाल देंगे तो वो हो जाएगा, और इससे इसके अलावा जो भी है उसको भी हम लोग डाल देंगे। उसके बाद शिष्ट साहित्य, यहाँ पे कुड़ुक साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश। शिष्ट साहित्य में क्या है, कुड़ुक साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश, यानी कि जितना भी किताब में है, पाठ्य पुस्तक में है, वो सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है, जो कि पाठ्य पुस्तक का अंश है, जो भी हिस्सा है उसको हम लोगों को पढ़ना होगा। उसमें आ सकता है हमारा कहानी है, कहानी पढ़ेंगे हम लोग, उपन्यास, जितना भी उपन्यास है सबको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद नाटक जितना है ये सब पढ़ना पड़ेगा, गीत और कविता ये सब जितना है ये हम लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लोक साहित्य में लोक कथा है, लोक गीत है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, पहेली है, तो ये सब हम लोगों को पूरा खोज खोज के पढ़ना पड़ेगा, जितना भी हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे एक कैच है, क्या कैच है कि झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें योग्यता क्या है, तो इसका योग्यता को हम लोग देखते हैं। इधर ऊपर आ जाते हैं, योग्यता दिया हुआ है, यहां ऊपर आ जाओगे आप लोग तो आप लोगों को पेज नंबर 10 या 11 में योग्यता दिया हुआ है। और ऊपर आते हैं हम लोग, और ऊपर आते हैं, और ऊपर आते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है, यानी कि इसका योग्यता क्या होगा, योग्यता है हमारे पास मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। और भी कुछ योग्यता है तो इसको हम लोग ऊपर में देख लेते हैं, नहीं बस वही दिया हुआ है झारखंड कांस्टेबल पुलिस के लिए। इसका मतलब क्या है, अब सिलेबस में दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में जितना भी कहानी है, उपन्यास है, वो सब हम लोगों को पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 क्लास तक का जितना भी
गीत है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, वो सब को पढ़ना है, क्योंकि आपका शैक्षणिक योग्यता तो सिर्फ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण बोल रहा है, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पूरा साफ साफ नहीं लिखा हुआ है तो 10वीं कक्षा तक जितना भी है वो सब हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सिक्योर होने के लिए, क्योंकि साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जो कहानी वगैरह दिया हुआ है ये सब भी हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसमें जितना कहानी है, कविता है, वो भी पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन हमको लगता है कि कक्षा 10 तक है तो कक्षा 10 तक का ही पूछना चाहिए, क्योंकि आपको वो बोल रहा है कि आप 10वीं कक्षा पढ़े हुए होने चाहिए, तो उससे ऊपर का तो आप लोगों से पूछना नहीं चाहिए, तो हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे। तो 10वीं कक्षा की किताब तो मैंने नहीं देखा है, अगले वीडियो में हो सकता है मैं उसके ऊपर डिस्कस करूं कि कौन कौन सा कहानी, कौन कौन सा कविता उसमें सम्मिलित होगा, और जो मैंने वीडियो डाला है उसको सबको पढ़िए, उसका वीडियो देख के पढ़िए, और संज्ञा सर्वनाम सब वो तो मैंने डाल ही दिया है जो कि ग्रामर का पार्ट है। तो इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, गीत है, ये सब हम लोग 10वीं कक्षा तक का ही देखेंगे तो हो जाना चाहिए, और उसके अलावा भी हम लोग और भी कुछ कुछ देखेंगे। अब इसके लिए किताब कौन कौन सा चाहिए होगा, तो 10वीं कक्षा में जो किताब चलता है वो पहले ले लीजिए, और थोड़ा सा सिक्योर होने के लिए 12वीं कक्षा तक का भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो CGL का सिलेबस में दिया हुआ है वो देख लेंगे तो इतना काफी होना चाहिए। फिर लोक कथा का किताब होगा, लोकगीत है, मुहावरे हैं, मुहावरे तो मैंने करवाया था, YouTube वीडियो डाला हुआ है, कहावतें का भी डाला हुआ था, पहेली का भी डाला हुआ था, तो ये देख लीजिए वो काफी हो जाना चाहिए। अब किताब ग्रामर के लिए आप लोग ये वाला किताब पढ़ सकते हैं, ये मेरे पास भी है, खुडुप कथाइन अरा कथ टूडू, ये वाला किताब है, इनके राइटर हैं महावीर उराव अरा चौठी उराव, और एक ये किताब है शिवांगन पब्लिकेशन का भाषा व्याकरण, इससे भी आप लोग देख सकते हैं, ये है जोहे भगत का लिखा हुआ। फिर एक लोक साहित्य का ये वाला किताब है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये है तेतरु उराव का। तो ग्रामर और लोक साहित्य के लिए ये सब आप लोग देख सकते हैं, फिर कहानी तो जो जो है वो सब पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण की किताब में ही कहावत, मुहावरे ये सब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और ग्रुप में आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, और अगले वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए ये भी बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।